अभी भाई कुछ तो समझो आप लोग, कुछ भी कर रहे हो मतलब सर मैम काफ़ी आप लोग देख रहे हो। मेरा सवाल है बस कितना हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, कुछ कहना चाहोगे? राजू जी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन थे तो उनसे काफ़ी सीखा है सबने बहुत। हम तो उन्हें देख बचपन से देखते हुए आ जी, मतलब राजू जी हमने जब शुरुआत की अपने करियर की तो उन्हीं को देख के शुरुआत करी, और जैसे सुरेंद्र पाजी है इन्होंने तो पहले शो से लेके लास्ट शो तक और लाइव शो, मतलब काफ़ी फॉर्चुनेटली काम करने को मिला राजू जी के साथ और बहुत सीखने को मिला। मतलब उनके जैसे ना इंसान कोई होगा और ना कभी कोई हो सकता है, हमेशा गाइड करते थे, हमेशा मोटिवेट करते थे। और मुझे उनके साथ 2 महीने रहने का मौका मिला जी, हम लोग टूर पे गए थे तो मैंने उनको एज पर्सन भी जाना, तो हमेशा हंसते रहना, मैंने कभी गुस्सा होते देखा ही नहीं उनको। और आज मतलब वो हंसी देकर ही गए हम सबको, उनकी हंसी हमेशा हमारे साथ रहेगी। और लास्ट बार आप लोग की कब बातचीत हुई इनको? हम लोग अभी मिले थे 2 महीने पुलिस फंक्शन में, लास्ट मंथ मुंबई पुलिस का इवेंट था तो हम मिले थे उनसे। फिर कुछ भी वॉइस नोट भेजना, कुछ होता था कोई कॉमेडी क्लिप है तो शेयर करना, फिर उस पर हंसते रहना। बिल्कुल शादी के बाद सुधर जाएगा। लास्ट उनसे कोई बातचीत हुई थी फोन पे सर? वो सब जूनियर आर्टिस्ट जूनियर सब मेमिंग आर्टिस्ट को मोटिवेट करते थे, एनकरेज करते थे। फर्स्टली मैं जानना चाहूँगा जिस तरह का लॉस है, काफ़ी बड़ा लॉस है हमारी इंडस्ट्री के लिए, आप कुछ कहना चाहोगे? बहुत बड़ा लॉस है, और इंडस्ट्री में टीवी ही की दुनिया नहीं, फिल्म की दुनिया ही नहीं, स्टेज की दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। स्टैंड अप कॉमेडी को इस्टेब्लिश किया इन लोगों ने, पहले ये देश जानता नहीं था कि स्टैंड अप कॉमेडी किसको कहते हैं। जॉनी भाई एक जॉनी लीवर नाइट करते थे तब जानते थे कि ये जॉनी भाई हंसाते हैं, फिर जॉनी भाई ने अपने जॉनी लीवर नाइट में उनको जगह दी 15 मिनट की एंट्री। उस 15 मिनट की एंट्री से इतने बढ़े कि फिर राजू श्रीवास्तव की नाइट होने लगी, फिर उनने अपनी नाइट की। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो 2005 में आया, आज 17 साल हो गए राजू भाई ऊपर ही होते रहे कॉमेडी को लेकर, उन्होंने स्थान अपना अलग ही बनाया। बेजान चीज़ों से बात करना, रिमोट आपसे बात कर रहा, माइक आपसे बात कर रहा, ये सोच नहीं सकते थे इससे पहले। ये राजू भाई की कॉमेडी थी, सब्जी वाला, ऑटो वाला, और गजोधर भैया तो गजब का कैरेक्टर था। गजोधर में सब कोई ये ढूंढते कि तो हमरा है, ये हमरी बात कर रहे हैं, यूपी बिहार हिंदी बेल्ट में सब गजोधर को पसंद करते हैं, और करते करते फिर पूरी दुनिया पसंद करने लगी। तो भैया इस मौके पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि पेश करते हैं, और कलाकार तो थे ही लेकिन हमारे मित्र बहुत अच्छे थे, और मित्र का खो जाना आदमी टूट जाता है, तो हम उनको प्रणाम करते हैं भैया। और घर में जो बच्चे हैं उनको मालिक शक्ति दे, भाभी जी को बहुत ज़्यादा शक्ति दे, दोनों बच्चों की शादी की जिम्मेदारी भी है, परिवार को चलाना, उनको मेंटेन करना, तो इतनी शक्ति दे मालिक उनको कि ये सारा काम करते रहे। और एक ख़ास बात बताता हूँ, जब राजू भाई मुंबई आए थे तो जूनियर अमिताभ बच्चन बनकर आए, ठीक उनकी एक्टिंग करते थे, उनके डायलॉग बोलते थे, एक दिन मालिक ने ओरिजिनल जूनियर से सीनियर जो ओरिजिनल अमिताभ जी हैं उनसे मिले, उनकी दुआएं मिली, और बिग बॉस सीज़न 3 आपको मालूम ना हो जो सुन रहे हैं तो सीज़न 3 को होस्ट किया था अमिताभ जी ने, और राजू जी बिग बॉस के घर में गए, मैं सेकंड में गया था, उसको होस्ट की थी शिल्पा शेट्टी ने, शायद ये भी नई पीढ़ी नहीं जानती तो, क्योंकि इन्होंने सबने सलमान जी को होस्ट करते देखा, पहला शो अरशद वारसी ने होस्ट किए थे जी। तो अमिताभ जी से मिले, फिर अमिताभ बच्चन जी ने आशीर्वाद दिया, हर बर्थडे पे राजू श्रीवास्तव जाते थे, अमित जी को याद करते थे, बुके देते थे, अब इस बार अमिताभ जी ने उनको याद किया, अपने ब्लॉग में भी लिखा, तो बहुत सारी बातें अमिताभ जी से मिलती हुई हुई क्योंकि जूनियर अमिताभ बनकर आए थे, तो अमिताभ जी का बहुत आशीर्वाद उनके साथ रहा। सर आपकी बात की जाए तो आप उनके साथ ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में थे तो
एज अ फ्रेंड आपके साथ कैसे थे और वो कितना हेल्प करते थे? बहुत बहुत, हम लोग एक टॉप सिक्स में से एक स्टार और हमारे पीछे खड़ा है, ये है पराग तंसारा, ये गुजरात से थे, सुनील पाल महाराष्ट्र से, मैं मध्य प्रदेश से था, नवीन प्रभाकर पहचान कौन, और एक पंजाब से बहुत बड़े स्टार थे भगवंत मान जो अब मुख्यमंत्री बन गए। ये हम टॉप सिक्स लोग थे। राजू भाई से मेरी पहली मुलाकात उसी मंच पे हुई, और फिर जब हुई तो क्या पूछना, उन्होंने घर पे चाय पे बुलाए तो पूरे घर ने ये बोला कि राजू भाई के जो पिताजी थे वो कवि थे, भले ही काका के नाम से पूरे कानपुर में फेमस थे, इसलिए उनके घर में मुझे बहुत प्यार इसलिए मिला कि मैं कविताएं लिखता था, तो उनके परिवार से कविताओं का संबंध बड़ा पास कर रहा, तो इसलिए राजू भाई हमारे हर नए आइटम में साथ सुनाते थे, ये बना है देखो अब ये इसको कैसा करें, मशवरा लेते थे, तो हम लोग बहुत साथ में रहे और बहुत सारी बातें आपसे करने की है मगर अब समय कम है, और लेकिन हम सच्चे मन से उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं, उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं, भाभी जी को स्पेशली बहुत ताकत दे मालिक ताकि दोनों बच्चों को वो जिस स्थान पे छोड़ गए हैं उससे आगे ले जाएं, भाभी जी उनके काम को, जितने कॉमेडियंस हैं, राजू भाई को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी तब उनके काम को आप लोग आगे बढ़ाएं, साफ सुथरी कॉमेडी करें, पारिवारिक हंसी पेश करें और परिवार का दिल जीतें, देश में राजू भाई को फिर से जीवित रखें, वो जब तक हंसी है तब तक राजू भाई हमारे साथ रहेंगे। सच्चे मन से श्रद्धा सुमन पेश करता हूं और आपसे आग्रह चाहता हूं, धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। बड़ा इसके अच्छी छाप रहे हैं यहाँ पर, बाहर करवा दो, अच्छे बाहर करवा दो, मैं बता रहा हूँ बाहर करवा, रुको ना मैं कर रहा हूँ अच्छे, वैसे भी नहीं है।